हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं मिस्टर दीप आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ एक नया वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे पीएफ के बारे में। जॉब पर जॉइनिंग होने से पहले आपको कंपनी से ये इन्फॉर्मेशन तो मिला होगा कि आपका सैलरी इतना है, आपका पीएफ इतना कटेगा, कैंटीन का इतना कटेगा, कट पिट के आपके अकाउंट में इतना जमा होगा। फिर जॉइनिंग हो गया, हम काम करने लगे और एक महीना पूरा हो गया। एक महीने पूरा होने के बाद हमारे अकाउंट में सैलरी जमा हो गया। तो सैलरी जमा होने के बाद कंपनी ने जैसे बोला था आपका कैंटीन इतना कटेगा, पीएफ इतना कटेगा और आपके अकाउंट में इतना पैसा जमा होगा, ये तो हो गया। पर हमारे अकाउंट में जो पीएफ जमा हुआ वो गया कहाँ, उसका पता कैसे करें, हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे अकाउंट में इस महीने में कितना पीएफ जमा हुआ। इस सब की जानकारी के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जब आपके अकाउंट में सैलरी जमा हो जाएगा उसका एक दो दिन बाद आपको कंपनी से एक सैलरी स्लिप मिलेगा। आप ये देख सकते हैं, ये एक सैलरी स्लिप है। आपको ऐसा एक स्लिप मिलेगा जिसमें आपका नाम, आपका एम्प्लॉय नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, यूएनए नंबर, कंपनी आपका किधर है, आपने कितना दिन काम किया, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ जॉइनिंग, आपका पैन नंबर, आपका कौन सा बैंक में सैलरी अकाउंट है, आपका आईएफएससी कोड, आपका डेजिग्नेशन और आपने महीने में कितने दिन काम किया और पूरा महीना कितना दिन है, ये पूरे डिटेल आपको एक बार में मिलेगा। दूसरा के बार में आपको मिलेगा नीचे की तरफ आप का बेसिक सैलरी कितना है, आपका कैंटीन में कितना कटा और आपका पीएफ कितना कटा, ऐसे एक सैलरी स्लिप आपको मिलेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपका यूएएन नंबर, ये एक नंबर है जो आप गूगल में जाके एक्टिवेट करना पड़ेगा आपको, फिर आपको पता चलेगा कि आपका पीएफ जा कहाँ रहा है, हर महीने में आपके अकाउंट में कितना जमा हो रहा है और आपके मोबाइल में एक मैसेज आ जाएगा हर महीने में कि आपका इस महीने में इतना पीएफ कटा। आपको ये नंबर एक्टिवेट करना है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये नंबर कैसे एक्टिवेट किया जाता है। आप चलेंगे हमारा एंड्रॉयड मोबाइल में, क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे, सर्च बार में सर्च करेंगे मेंबर होम। ये सर्च करने के बाद देखिए पहले में ही आ गया मेंबर होम, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। फिर हम जाएंगे थ्री डॉट पे, इसको कर देंगे डेस्कटॉप साइट। देखिए ये कंप्यूटर जैसे ओपन हो गया। अब हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ पर है आपका यूएनए नंबर और पासवर्ड। अभी तक हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं है, अभी हम पासवर्ड जेनरेट करेंगे। नीचे जाइएगा, यहाँ पे है इम्पोर्टेंट लिंक्स, एक्टिव यूएएन, नो योर यूएएन। अभी हमारा यूएएन एक्टिव नहीं हुआ, हमको एक्टिव करना है, इसीलिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक्टिव यूएएन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद देखिए हमारा ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका यूएएन मांग रहा है, फिर मांग रहा है आपका आधार, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर। ये सब डिटेल भरने के बाद आपको एक कैप्चा कोड भी भरना है, फिर आपको एग्री पे क्लिक करना है। नीचे गेट ऑथोराइजेशन पिन, आप यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। नीचे देखिए यहाँ पे एंटर ओटीपी का ऑप्शन है, आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी आया है आपको यहाँ ओ टी पी एंटर करना है, फिर वैलिड ओ टी पी एंड एन के ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद देखिए आपका एक ऐसा पेज खुल जाएगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि योर यू ए एन इज एक्टिवेटेड, द पासवर्ड इज सेंड टू योर
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, इसका मतलब है आपके जो मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर किया था उस पे आपका पासवर्ड आ गया है। आप आपका मोबाइल का मैसेज चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको एक पासवर्ड मिल गया जो कि हम पहले पेज ओपन किया थे वहाँ पे जो पासवर्ड मांग रहा था वहाँ पर हमको ये पासवर्ड एंटर करना है। अब चलेंगे प्ले स्टोर में, सर्च बार में सर्च करेंगे EPFO ऐप। ये सर्च करने के बाद देखिए आपका बहुत सारे एप्लीकेशन आया है, इसमें से जो PF वाली है रेड गोल वाली इसके ऊपर क्लिक कीजिए और ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये डाउनलोड करने के बाद ओपन कीजिए, यहाँ पे आपको मांगेगा आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये एंटर कीजिए यहाँ पे और कंटिन्यू कीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको मांगेगा लॉगिन विथ गूगल, तो आपको भी यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी ऐसा वाला एक पेज खुलेगा, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है PF पासबुक। हम अभी देख सकते हैं हमारे पासबुक में कितना बैलेंस है, तो हमको यहाँ PF पासबुक के ऊपर क्लिक करना है। फिर हमारा पासबुक ओपन हो गया है, यहाँ देखिए अपने आप UAN नंबर और पासवर्ड दिखा रहा है। अब गेट पासबुक के ऊपर क्लिक कीजिए, फिर आपको एक कैप्चा मिलेगा, इसका आंसर यहाँ पे लिखिएगा और सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद इधर दिखा रहा है व्यू, ये व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद एक ऐड आएगा, ऐड के बाद आपका ऐसा एक पेज खुल जाएगा। देखिए आपका ये टोटल बैलेंस दिखाएगा, यहाँ पे आपका PF बैलेंस दिखाएगा, फिर नीचे एक रो पे आपका UAN नंबर दिखाएगा, नीचे आपका कंट्रीब्यूशन दिखाएगा, मतलब आपका पर्सनल कितना जमा हुआ है और कंपनी ने कितना जमा किया है आपके अकाउंट में, और पेंशन। नीचे व्यू डिटेल में क्लिक करेंगे, करने के बाद कौन सा महीने में कितना कटा आपका बैलेंस उसका पूरा पेज ओपन हो जाएगा। फिर सबसे नीचे होगा डाउनलोड पासबुक, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका पासबुक डाउनलोड हो जाएगा। अगर आपने आपका UAN नंबर अभी तक एक्टिव नहीं किए अभी कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे अच्छा अच्छा वीडियोज। थैंक यू, टेक केयर।